टीचिंग हमेशा से मेरा पैशन रहा है. बच्चों के साथ काम करना, स्पेशली गर्ल्स के साथ काम करना, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां मुझे लगता है कि एक टीचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है. मेरा नाम मनु गुलाटी है और मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ. जब हम बात करते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी ना हो, गर्ल चाइल्ड जो है वो स्पेशली रेजिलियंट हो, कुछ भी अगर चैलेंज फेस कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में, तो फाइट बैक करने की एबिलिटी होनी चाहिए हर इंडिविजुअल में, स्पेशली गर्ल्स में. मनु का जब जन्म हुआ तो हमने उसमें लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया, और जितने भी घर के निर्णय हैं, छोटे हों या बड़े हों, उन निर्णयों में हमने उनको साथ लिया. विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, जब बच्चों के साथ डिस्कशन करी तो निकल के आया कि शायद ये जो माइंडसेट बच्चों में डेवलप हुआ हुआ है जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल्स को लेके, कि लड़कियां हैं तो हमेशा घर का काम कर रही होंगी, किचन में होंगी, लड़के हैं तो हमेशा बाहर के काम करेंगे, ये मैंने रियलाइज़ किया कि ये माइंडसेट बच्चों का बन रहा है उनकी फैमिली से और उस कम्युनिटी से जहाँ पे वो रह रहे हैं. तो मुझे लगा बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के साथ मिलकर क्यों ना पेरेंट्स से बातचीत करी जाए जेंडर रिलेटेड इश्यूज से. मुस्लिम्स में लड़कियों को डांस नहीं करने देते, डांस गाना बिल्कुल एकदम अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती. ऐसे लड़कियों का छोटे कपड़े पहनना, बाहर निकलना, जीन्स पहनना, और मनु मैं मेरे को बोलती थी ऐसा कुछ भी नहीं होता. वो मेरे पेरेंट्स को समझाती थी, मेरी मम्मा को उन्होंने समझाया. अगर लड़की अपने आप पे डिपेंड है तो ये बहुत खुशी की बात है. ये मुझे बाद में समझ में आया, इसलिए कि मिसिज हमारी स्कूल जाती है, मुझे टाइम नहीं मिलता था, और मेरी मिसिज आके मुझे बताती थी कि मैडम मनु मैडम ने ऐसे ऐसे समझाया है. बाद में मुझे समझ में आया कि ये अच्छी बात है, फिर मैं भी इस पे एतराज हटाना ख़त्म कर दिया. लड़कियां जो है वो पर्सनल हाइजीन पे और सेक्सुअल हरासमेंट पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हैं. तो मैंने जब देखा मनु को पैड यात्रा निकाली, तो एक जनरल जो है लड़कियों के अंदर हमें ये बात बच्चों के अंदर कहीं ये डालनी थी कि ये कोई शर्म की बात नहीं है, एक नेचुरल फिनोमिना है ये. तो आज भी हम मार्केट में लेने जाते हैं तो वो ब्लैक पॉलीथीन में होते हैं, तो इसमें ऐसी कोई शर्म की बात कुछ भी नहीं है. ये अवेयरनेस जब मैंने मनु को देखा कि वो किस तरह से लड़कियों को अवेयर कर रही है, स्कूल्स में जाकर इस तरह की रैलीज निकाल कर, तो फिर हमने स्कूल में भी इस तरह से शुरू किया. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, कई बार आपको एक अच्छा इंजीनियर तो बना सकता है या अच्छा डॉक्टर बना सकता है, बट वो अच्छा इंसान आपको कैसे बनाए कि आप समाज में बाकी लोगों के साथ, अपने बड़े छोटे के साथ, दूसरे जेंडर के साथ कैसे एंगेज करें. और ये सारी चीज़ें मनु गुलाटी अपने मेथड्स में, बी इट डांस, बी इट आउटडोर एक्टिविटीज़, वो सारे उसने खुद ईजाद और इवॉल्व करे हैं. जब हम जेंडर रोल्स की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे हमारे डीड्स में, हमारे थॉट्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे पर्सोना में, हम उन चीज़ों को जिए जिनकी हम बात कर रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉक, मतलब सी लिव्स विद द एग्जांपल. समाज के जिस कैटेगोरिकल हायरार्की के कारण एक तरह से हरास किया जाता है महिलाओं को, उन सब चीज़ों को फेस करते हुए ये आगे निकली हैं, और मुझे लगता है उन संघर्षों ने इसको और बहुत मजबूत और ताकतवर बनाया है, और इसकी पर्सनैलिटी दूसरे लोगों को अब एम्पावर करती है. तो आई थिंक इससे बेहतर एम्पावरमेंट का उदाहरण और क्या हो सकता है.